हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। और मेरा नाम है वरुण। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं नोएडा एक्सटेंशन टेक जोन 4 में, और निराला बिल्डर के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है निराला एस्टेट। ऑलरेडी हम लोगों ने निराला के एक दो प्रोजेक्ट्स कवर किए हुए हैं, जैसे नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 2 में इनका प्रोजेक्ट है निराला ग्रीन शायर, एंड सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन में इनका प्रोजेक्ट है निराला एस्पायर के नाम से। तो अच्छा बिल्डर है, टाइमली डिलीवरीज भी दी है निराला ने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, निराला एस्टेट के अंदर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये इसकी डिलीवर्ड फेज़ है। बाकी मैं आपको बताऊँगा ये कितने एकड़स के अंदर बना हुआ है। लोकेशन का मैं थोड़ा और आपको आइडिया दे देता हूँ, यहाँ से हार्डली 5 मिनट दूर ही गौर चौक आ जाता है। गौर चौक से जो सूरजपुर वाली रोड पर आएंगे हार्डली 5 मिनट लगते हैं। फ्यूचर में आपको वहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। स्कूल की बात करते हैं, जैसे पीछे सेक्टर 2 में निराला ग्रीन शायर इनका प्रोजेक्ट है, उसके जस्ट सामने सेंट जॉन स्कूल्स हैं, एंड काफ़ी सारे और भी स्कूल्स आपको आसपास मिल जाएंगे। 5 मिनट दूरी पर यहाँ पर आपको यथार्थ हॉस्पिटल भी मिल जाता है। सेंट्रल नोएडा से या पीछे NH24 से, FNG से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। तो बाकी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं निराला एस्टेट को। अभी हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर। पहले मैं आपको बताऊंगा जो ये वाला फेज़ है, दिस इज़ डिलीवर्ड फेज़, एंड उसके बाद हम आपको लेके चलने वाले हैं जो डिलीवर होने वाला है एंड अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़। जो टोटल लैंड पैच है निराला एस्टेट का, दैट इज़ 25 एकर्स, पूरा लैंड पैच ये जो है वो 25 एकड़ का है। एंड इस फेज़ में आपको जो टॉवर्स की हाइट मिलती है वो तकरीबन 19-20 फ्लोर की मिलेगी, एंड जो सेकेंड फेजेज़ हैं जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले फेजेज़ हैं, वहाँ आपको 24 फ्लोर की हाइट मिलेगी। डिफरेंस ये है, ये पुराना बना हुआ है, ये ब्रिक पर बना हुआ है, एंड जो अगले फेजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे माई वन के ऊपर आ रहे हैं। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है, ये जो फेज़ है काफ़ी लोग लाइक करते हैं, बिकॉज़ यहीं पर आपको अंदर ही सारी बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, डेली नीड्स का सामान मिल जाएगा, बहुत सारे सिटिंग एरियाज, प्लांटेशन, किड्स एरिया, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो है फेज़ 1 की कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता भी देता हूँ ये कितने एकड़ में बना हुआ है। ये टोटल 25 एकर्स में से 11 एकड़ के अंदर ये वाला फेज़ बना हुआ है, जिसमें आपको 18 टावर्स मिलते हैं। तो ये जो भी यूनिट्स मिलेंगी आपको रीसेल में मिलेंगी, एंड अगले जो फेजेस हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे आपको फ्रेश की यूनिट्स मिल जाती हैं। तो अब हम आपको लेके चलेंगे अगले फेजेस में, उसको एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले फेजेस की तरफ। गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं इसके अगले फेजेस की तरफ। अभी आपने जो देखा वो पूरा डिलीवर्ड फेस है, 11 एकड़ के अंदर आपने 18 टावर्स देखे। अब हम लोग अगले फेज़ में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो ओपन एरिया मिलेगा, वो जो सेंट्रल एरिया यहाँ पे दिया गया है वो 4.5 एकड़ के अंदर दिया गया है। जस्ट मेरे साथ में आप ये जो देखेंगे ये यहाँ पे सिटिंग बन रही है, एंड इसी तरीके से पीछे वहाँ पे फाउंटेन भी एरिया भी दिया जाएगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड बहुत सारी आपको यहाँ पे एमिनिटीज़ मिलेंगी, जैसे साइड में ट्रैक्स मिलेंगे, प्लांटेशंस मिलेंगी, एंड बहुत सारे सिटिंग एरियाज मिलेंगे, कुछ अदर एमिनिटीज़ भी मिलेंगी। एंड ये सामने अभी आप देखेंगे तो क्लब का एरिया है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब आपको यहाँ पर मिलने वाला है निराला एस्टेट में। क्लब के अंदर आपको स्पा एरिया, जिम एरिया, बैंकेट हॉल्स, देन रेस्टोरेंट्स,
एंड बहुत सारी अदर एमिनिटीज जैसे कि इंडोर गेम्स मिलेंगी। सामने आप जो मेरे देख रहे हैं ये 3 लेयर का स्विमिंग पूल यहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसमें आपको एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए एंड जो बिगेस्ट साइज होते हैं पूल के, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप अपने ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फेजेज में कितने टॉवर्स मिल जाते हैं और क्या क्या फिर इसमें साइजेस मिलेंगे। ये आप मेरे पहले सामने देखिए, दिस इज फेज 2। जैसे आपने वहाँ देखा 18 टॉवर्स थे, तो यहाँ पर आपको 24 से लेकर 28 नंबर ऑफ टॉवर्स मिलेंगे। जो नंबर दिए गए हैं वो 24 से 28 दिए गए हैं, 5 या टॉवर्स मिल रहे हैं एंड बहुत जल्दी ये डिलीवर भी होने वाला है। दिस इज सेकेंड फेज। एंड इसी के साथ में जो आप देखेंगे जहाँ पर पेंट नहीं हुआ, जो पेंट वाले थे ये 24 से 28 थे एंड जो ये सामने आप देख रहे हैं जब बिल्डिंग तैयार है, ये इसका फेज 3 है जो कि रहेगा 29 से लेकर 33 टॉवर्स में। एंड उधर सामने आप मेरे देखिए, वो इसका फेज 4 रहने वाला है जो कि दिवाली के आसपास डिलीवर हो जाएगा। जो अभी आपने फेज 3 देखा एंड फेज 4, ये दोनों दिवाली पे डिलीवर हो रहे हैं एंड 7 से 8 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। दिस इज फेज 5, ये इसका लास्ट फेज रहने वाला है। सो गाइज, ये तो थे इसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फेजेस, जहाँ पर सेकेंड फेज में बड़ी जल्दी अब डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। OC की वेट हो रही है, प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी डिलीवरीज इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं साइजेस की बात करता हूँ अब। सबसे छोटा साइज आपको यहाँ पे मिलता है 995 स्क्वायर फीट का, दैट इज 2 BHK। देन अगले साइज आ जाते हैं 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स, जो कि रहेगा 1225 स्क्वायर फीट, देन 1250, 1270 स्क्वायर फीट, फिर 1385 स्क्वायर फीट का एक साइज है। देन एक बड़ा साइज आ जाता है 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स, दैट इज 1535 स्क्वायर फीट। एंड उसके बाद एक बड़ा साइज है 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स, वो रहेगा 1645 स्क्वायर फीट का। एंड जो सबसे बड़ा साइज मिलेगा आपको यहाँ पे, वो मिलता है 1897 स्क्वायर फीट का, 3 BHK विद स्टोर रूम एंड ड्रेसिंग एरिया विद 4 वॉशरूम्स। ये तो इसके 2 एंड 3 BHK के साइजेस हो गए। अभी हम आपको इसका दिखाने वाले हैं 1270 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स, जो कि इसका एक्चुअल फ्लैट है। अभी हम आपको इसके एक्चुअल फ्लैट की तरफ लेके चलेंगे, देन फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें प्राइसिंग चल रही है। तो चलते हैं और एक्चुअल फ्लैट को एक्सप्लोर करते हैं। Thank you.
ये तो थी पूरी इन्फॉर्मेशन निराला एस्टेट की। अभी आपने देखा इसका डिलीवर्ड भी फेज़ एंड जो अदर फेजेस हैं डिलीवर होने वाले हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, जितना भी इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है इसमें या होने जा रही है वो सारी की सारी माई वन कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो आउटर के फसाड्स हों या उसका इंटरनल वर्क हो, ये टोटली माई वन के ऊपर बन रही है। लोकेशन वाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है ये। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये सारा इसका कमर्शियल बना हुआ है, जिसमें आपको शॉप्स मिलेंगी लोअर ग्राउंड पर एंड अपर ग्राउंड पर, एंड उसके ऊपर जो आप अभी आप देख रहे हैं दो फ्लोर पे आएगा यहाँ पर स्कूल, एंड उसके ऊपर रहेगा अगले फ्लोर पर सारा फूड कोर्ट। एंड इसी तरीके से अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ तो यहाँ भी आपको नीचे लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड पे कमर्शियल रिटेल शॉप्स मिल जाएंगी, उसके ऊपर आ रहा है हॉस्पिटल, देन उसके ऊपर आपको फूड कोर्ट मिलता है। तो अब फाइनली मैं बात करूँगा आपसे प्राइसिंग की। जो सबसे छोटा साइज़ है यहाँ पर वो आपको तकरीबन 70 लाख का मिल जाएगा, 995 स्क्वायर फीट का। इसमें सारे के सारे चार्जेस इंक्लूड हैं, बस कुछ ऐसे फ्लैट्स होंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस लोकेशन के चार्जेस देने होंगे, जिसको PLC कहते हैं, प्लस उस पर GST लगेगी बिकॉज OC अभी आया नहीं है। अगर OC आ जाता है देन उसके बाद आपकी GST भी नहीं लगेगी। एंड जिसका अभी हमने आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाया था 1270 स्क्वायर फीट, वो तकरीबन आपको 85 लाख के आसपास मिलेगा। एंड मोर ओवर अगर आपको यहाँ पे साइट विजिट भी करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए। इसका क्लब देखिए कितना ह्यूज क्लब बन रहा है, इतना सुंदर क्लब बन रहा है, कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर देखिए। एंड फर्दर किसी क्वेरी के लिए हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।